महिंद्रा बलेरो पिकअप का पंप खोलेंगे आज, पंप खोल के रिपेयरिंग करेंगे। गाड़ी में पिकअप की प्रॉब्लम है, सही से खींच नहीं रहा है गाड़ी, भागती नहीं है ज़्यादा, तो पंप खोल के पूरा पंप रिपेयरिंग करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पंप खोलने से पहले पंप को लॉक करना ज़रूरी है, नहीं तो फिटिंग करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे हमने देखी एकदम लॉक कर लिया है, बिल्कुल इसी जगह पे हमने को लगाना है पंप जब फिटिंग करेंगे। पंप खोलने के बाद इंजन को घुमाना नहीं है, ताकि हमको टाइमिंग मिलाने की ज़रूरत ना पड़े। और कभी कभार पंप निकलता नहीं है, जाम हो जाता है पिनियन में शाफ्ट को, तो ऊपर से ऐसा कुछ पेचकस या कुछ ढाल के सामने से 22 नंबर का नट है, नट लगा के उसमें फिट करना चाहिए, ज़ोर से मारना चाहिए, निकल जाएगा। जैसा कि इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये है, गाड़ी भागती नहीं है, कम भागती है गाड़ी, हिल्स एरिया में चलती है, तो इसमें ज़्यादा खिंचाई नहीं है गाड़ी में। तो आपसे कहना ये है कि अगर आपको गाड़ी में ऐसा कुछ है तो जितना जल्दी हो सके आपको पंप को रिपेयरिंग कर लेना चाहिए, नहीं तो आप लेट करेंगे तो क्या होता है कि एक बार एक सामान ख़राब होने से एक के साथ कई और सामान ज़्यादा ख़राब हो जाता है, फिर उस टाइम में आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, जहाँ पे आपको कम खर्चा में होना चाहिए उसमें ज़्यादा लग जाएगा। तो इस कारण काम में देरी ना करें, अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने नज़दीकी मैकेनिक से बात करिए। जैसा कि हमने इस पंप में खोल लिया था, जल्दी खोल लिया था, जब दिक्कत आई तो एक हफ्ते में पंप खोल लिया था, इसी कारण इस पंप में ज़्यादा कुछ ख़राबी मिला नहीं है, और सही टाइम तक हमने मालिक का बहुत पैसा बचा लिया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा जाता है इसमें खर्चा। तो इसमें रोटर भी सही था, बाकी मेन सामान सब सही था। पंप लगाने का तरीका है ये है कि जहाँ पे हमने खोला था, जिस पोजीशन पे हमने लॉक किया था, बिल्कुल उसी पोजीशन में हमको पंप को वापस लेके आ जाना है। हमारा इंजन को घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ये कैम लॉक है, ठीक इसके बराबर आप जब खोलेंगे पंप एक कट लगा लेना है, ताकि बाद में आपको पता चले हाँ यहाँ हमने खोला है और यहीं पर आपको लगाना है पंप को। ये पंप देख सकते हैं, इस पंप का नंबर है 255। यहाँ पे हमारा पंप आके बैठेगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, एकदम प्यार से बैठना चाहिए। अभी एक हाथ से हमने सामने से पिनियन को दबोच लेना है, ताकि हिले ना अपनी जगह से पिनियन, और सामने से पंप को इस तरह से हमने डालना है, और एकदम प्यार से आराम से बैठ जाएगा अगर आपका लॉक का पोजीशन सही है, अगर आपने इंजन को घुमाया नहीं, बिल्कुल उसी पोजीशन में जहां पे आपने खोला है वहीं पे लगाया। देखिए एकदम आराम से बैठ गया पंप, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ी। अभी सामने से 22 नंबर का नट लगा लेंगे वाशर के साथ, ध्यान से, कभी कभार वाशर नीचे गिर जाता है, फिर बाहर से ये 12 नंबर का नट को लगा लेंगे वाशर देके।
रोड ऊपर आके मिला करें। पाइप नंबर का नट लगाने के बाद ये मेन चीज़ है, हमने लॉक को अनलॉक कर लेना है। लॉक को ढीला करके ये पत्ती जो है इसमें डाल के फिर से लॉक को टाइट कर लेना है, नहीं तो पंप टूटने का चांस रहता है। मारा सही सर।